बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सेहतमंद है। टॉयलेट क्लीनर की बात मज़ेका खेस लगती है। अगर उनकी सेहत से मुताल्लिक कोई मसाइल हैं तो खुलकर बताएं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता आज़ाद का बैरिस्टर गौहर को जवाब कहा, ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है। उमर अयूब पुलिस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। SHO तक बात आ गई है तो उमर अयूब कोई और काम कर लें। माजी में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ, अब वो मामला ख़त्म हो चुका है। ईरानी सदर ने $10 अरब के तजारती हजम की बात की है। सऊदी अरब भी बड़ी सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मादली का बहुत ढंडोरा पीटा गया, बड़ी बात की गई, मगर अल्लाह ताला के फजल से आपने देखा कि अभी इतवार वाले दिन जो बाई इलेक्शन हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बहुत सारा वोटर ऐसा है जो फेंस सिटर है, वो वोटर जो गालिबन पहले तरीके इंसाफ की तरफ था, मगर इनके झूठ के बयानिए की वजह से, इनके तशद्दुद पर मबनी बयानिए की वजह से, इदारों के खिलाफ, दिफाई इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानिए की वजह से, और जो कॉलो फेल का तजाद है और मुतजाद बयान हैं, यानी झूठ, मुनाफकत, नफरत का जो बयानिया है उसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया है। कि नफरत का, मुनाफिकत का और झूठ का बयानिया वो मुस्तरद हो चुका, क्योंकि जेल में बैठा वो शख्स, वो मुझे लगता है पैरानोया का शिकार है, पैरानोइड है, को खतरा उनकी सेहत का। ये पैरानोया से बाहर निकले, मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी दिफाई इदारों पर, कभी सिपाही सालार पे बात करते हैं। भाई आपका मसला है क्या? आपने कसम खाई है कि आपने मुल्क की दिफाई इदारों के खिलाफ ही बात करनी है, कि कभी एक बयान कभी दूसरा, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस पर आपको इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान के सिपाही सरदार के खिलाफ बात करें। आप जेल में करप्शन का सेंटेंस काट रहे हैं, आप वहां पे कोई वेकेशन या हॉलीडे पे नहीं गए।